हुआ आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया है। पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ा है। यानी की स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रयागराज पश्चिम की तरफ से माहौल गर्म बताया जा रहा है। बाल सुधार गृह के पास भी पत्थरबाजी की है। कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की है बाल सुधार गृह के पास, जहां पर अतीक के दो नाबालिग बेटे इस वक्त मौजूद है। प्रयागराज पश्चिमी की बात करें, पश्चिमी इलाके की, वहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया है। पुलिस ने हंगामा करने वालों को खदेड़ा है। यानी कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। जैसा कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, स्थितियां बेहद गर्म है। आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी कर दी है। प्रयागराज पश्चिम की तरफ पुलिस की भी चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। बाल सुधार गृह के पास भी पत्थरबाजी हुई है और पुलिस ने इन्हें खदेड़ा भी है। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, पत्थरबाजी भी हुई है कुछ इलाकों में? देखिए, राजरूपपुर का जो इलाका है वहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। जो एटीएम बूथ है वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और एटीएम बूथ के अंदर जो पत्थर है वो भी पड़े हुए हैं। हालांकि वो जो राजरूपपुर का बाल सुधार भी है वहाँ पर लोग जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा के कर्मी तैनात किए गए थे। तो उनके जो सशस्त्र सुरक्षा कर्मी है, जब से माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद शहर पश्चिमी में अब पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। इस समय मैं करबला तिराहे पे खड़ा हुआ हूँ। पूरा जो इलाका है पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील किया जा रहा है। हर गलियों में भी पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हालांकि लोगों में आक्रोश था, सूचना पर लोग सड़कों पर उतरे थे और एक एटीएम बूथ पे पथराव किए थे और एटीएम बूथ को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किए थे, उसके शीशे को तोड़ दिया गया था। हालांकि पुलिस वहां पर अब लगातार गश्त कर रही है। जो इलाके हैं उस पर भी गश्त बढ़ा दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई हिंसक वारदात ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस चौकन्नी है और लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए, उत्तर प्रदेश के मऊ से भी अगली तस्वीर सामने आ गई है, जहां पर पुलिस का जो पहरा है बेहद सख्त नजर आ रहा है। पुलिस इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और लोगों को भी चौकन्ना पुलिस कर रही है। अराजक तत्वों पर भी पुलिस की जो नजरें हैं वो बनी हुई है। हर एक स्थिति से निपटने की पुलिस की पूरी कोशिश है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अगले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील हो सकते हैं और ऐसे में ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई है ये मऊ की है। पुलिस सड़क पर गश्त कर रही है। अयोध्या की भी तस्वीर है। अयोध्या में भी कमोबेश यही स्थिति है। जो संवेदनशील इलाके हैं, जो थाने हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस के आला अधिकारी बेहद भी सड़कों पर उतर आए हैं। जो स्थितियां हैं बेहद तनावपूर्ण बनी हुई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की। धारा 144 लागू है पूरे प्रदेश में। प्रयागराज पहले से भी हम लोग जो हमारा रात्रि गश्त है उसको लेकर यहाँ पर QRT पहले भी रहती है और जो भी यहाँ की सेंसिटिविटी है या संवेदनशीलता है उसके दृष्टिगत यहाँ पर गश्त भी बढ़ाई गई है और सभी लोगों से बातचीत कर की जा रही है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से सावधानी भी देते हैं। सर, हाई अलर्ट है? जी बिल्कुल, अलर्ट पर हम लोग हैं। पूरी पुलिस अलर्ट पे है और इस प्रकार यहाँ क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है उसको लेकर बातें हैं, लेकिन हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि पूरे समाज से बातचीत भी है। कई गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित भी हैं और लोगों से बातचीत भी हो रही है। वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कॉशनरी अलर्ट पर हैं। सामने अयोध्या, मऊ और प्रयागराज, तीनों जिले में जो सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकस है, चाक चौबंद है, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस हाई अलर्ट पर है। हाई अलर्ट मोड पर पुलिस के जो लोग हैं वो दिख रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। अराजक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी पुलिस के पास है और हर एक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। पुलिस लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है।
अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई हर जगह हर जिले से आपको लगातार दे रहे हैं, चाहे बात मऊ की जाए। मऊ में भी पुलिस पूरी तरीके से संजीदगी बरत रही है, संवेदनशील इलाकों को पूरी तरीके से वहां पर भी स्थिति बनाए हुए है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मऊ से, जहां पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की है, एटीएम तक को तोड़ दिया है। लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ती जा रही है इस घटना के बाद, लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है, पथराव भी कुछ इलाकों में किया गया है। स्थितियां हैं बेहद तनावपूर्ण प्रयागराज के पश्चिमी इलाके में बनी हुई है, और प्रयागराज में पुलिस ने कुछ लोगों को खदेड़ने की कोशिश की है। बता दें कि प्रयागराज के पश्चिम की तरफ माहौल बेहद तनावपूर्ण है, बाल सुधार गृह के पास भी पत्थरबाजी हुई है। चार अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर है, और ऐसे में किसी भी